अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली। तो मैं आज आपको जादू दिखाने वाली हूँ। मेरे साथ रहना ये जादू देखने के लिए। इस पर्स में, इस बॉक्स में, इस डिब्बे में है वो जादू जो निकलेगा। तो मेरा ना आज बिरयानी खाने को बहुत दिल कर रहा था। मैं ना सोच रही थी चलो जाती हूँ अपनी पॉकेट मनी देखती हूँ कितनी है, तो उसको खर्च कर लेती हूँ। जब मैंने देखा ओ हो, ये तो 1000 रुपीज़ है। मुझे पता था कि 1000 है, लेकिन मैं निकालने वाली थी। फिर मैंने जब देखा ना कि ये 1000 है, तो दिल ने किया खर्चने को, दिल किया कि ऐसे ही रख दूँ। तो दोबारा फिर पॉकेट मनी मिलेगी तो ऐसे ही इसमें जोड़ दूँगी। तो हमारे यहाँ लड़कियाँ क्या करती हैं कि जब उनको मतलब खर्चने के लिए अबू या बहन, भाई बड़ा या जो भी घर में कमाता है, वो जो भी पैसे मतलब 1000, 2000, 3000 जो भी किसी बहन के हिस्से में आते हैं वो उसे दे देता है। और बहन क्या करती है, जाकर उसे कीमती जगह पे छुपा के रख लेती है। वो खर्च नहीं करती, खर्च वो तब करती है जब उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं। फिर वो अपनी कोई भी चीज़ ले सकती है जो उसको चाहिए होती है, चाहे तो अपना जहेज बना ले। मोस्टली लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं, वो या तो बर्तन बना रही होती हैं या फिर छोटी छोटी चीज़ें ले रही होती हैं ताकि मैं अगले घर जाऊँ तो मेरे काम आ जाए। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मेरी ये सोच होती है कि मैं अपने पॉकेट मनी बिरयानी, पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें खाने पे वेस्ट कर दूँ। लेकिन आज तक मैंने समझदारी दिखाई है और मैंने अपने 1000 रुपीज़ को बिल्कुल नहीं खर्च करना, उनको ऐसे ही सेव करके रख लेना है, तो ताकि मेरे पास ज़्यादा सारे पैसे जमा हो जाएं और मैं भी कुछ ले सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं, किसी के लिए, अपने लिए नहीं तो नहीं, अपनी सिस्टर के लिए कुछ ले सकूं। तो जी बना रही हूँ मैं पकोड़े। अब कुछ खाना तो है ना, दिल भी तो ठीक करना है अपना। दिल की ख्वाहिशात के लिए ये मैंने अल्टरनेटिव ढूंढा है। पकोड़े बनाऊँगी और मज़े से बैठ कर खाऊँगी। मम्मा से मैंने कहा था, मम्मा जी मुझे ना ये पकोड़े बना, इनका सामान जो है वो काट दे। मेरी मम्मा की ना कटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। इतना बारीक प्याज काट रही थी विदाउट कटिंग बोर्ड, और आलू भी बहुत अच्छे से काट लेती हैं। तो हमारे घर में जब भी सब्ज़ी बनानी होती है, मैं अम्मी जी को दे देती हूँ, वो सब्ज़ी मुझे बना के दे देती हैं और मैं आराम से पका लेती हूँ। इस तरह से काम जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे जो मुश्किल और बोरिंग काम मुझे लगता है खाना पकाते हुए, वो यही लगता है। मैं ये कहूँ ना कि मैं बहुत, हाँ जी, गुड हूँ, परफेक्ट हूँ, तो वो नहीं है। सब्ज़ी बनाने वाला काम बहुत बोरिंग है। या तो मैं सब्ज़ी बना सकती हूँ या खाना पका सकती हूँ। और एक और बात, मैं बहुत ज़्यादा स्लो भी हूँ सब्ज़ी बनाने में। तो आपने भी मुझे कमेंट करके बताना है कि आप किस चीज़ में स्लो हैं और कौन सा काम ज़्यादा तेज़ी से कर लेती हैं। खाने में मिनट में फटाफट पका पका के रख देती हूँ बस ना, सब्ज़ी और इस तरह की प्याज वगैरह और लहसुन वगैरह कूटा छिला हुआ मुझे मिल जाए तो ठीक है, फिर तो मैं मिनटों में पका के रख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे प्याज और आलू दो जो मेन थिंग्स हैं वो कट चुकी हैं। अब कटने लगी है पालक हरी भरी, जो पकौड़ों को खूबसूरती देगी, जो पकौड़े की खूबसूरती है। आप सोचें कि पालक पकौड़े के बगैर कैसी लगती है, नहीं, पकौड़ा पालक के बगैर कैसा लगता है, तो वो ना ऐसे ही उसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं लगती। अगर हरी हरी पालक होना अंदर, तो वो एक चार चांद लगा देता है पकौड़े को। तो जी जल्दी जल्दी से मेरी मम्मा जो है वो काट देंगी, फिर मैं इनको तो बना लूँगी पकौड़े मज़े से और बैठ के खाऊँगी। आप भी मेरे साथ खाइएगा। मैंने नमक मिर्च और सूखा धनिया डाल दिया इसमें। अब मेरे काम करने की बारी आ गई है, तो मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ। और फिर इसमें बेसन डाल के, पानी डाल के मैंने इसका मिक्सचर बना लिया। अब बनाते हैं पकोड़े।
फर्स्ट जी मैंने पिज्ज़ा पकौड़ा बना के रेडी कर लिया है। पिज़्ज़ा लाने की क्या ज़रूरत है जब घर में ही पिज़्ज़ा पकौड़ा बन के तैयार हो गया है। तो ये ऐसे बनाया कि मैंने सब कुछ डाल के रख दिया तो वो जुड़ गए पक गए, तो मैंने ऐसे इनको निकाल दिया। अगर ये मेरा पिज़्ज़ा पकौड़ा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।